आई विद यू। इसके आंखों में क्यों? कब मिला ये? कल, लेकिन कल मिला है हमें। सड़क पे थे दो कुत्ते। दो थे एक कहाँ है? एक तो ले गए ना कोई, वो ठीक था। इसको जा चोट आई थी, इसके हमने करवाया, इंजेक्शन भी लगवाया, पर ये कुछ इसका ज़्यादा लग रहा था। कब? कल इंजेक्शन करवाया था। हाँ, कल करवाया। तुम खाना वाना खा रहे? खाना तो इसने खाया है, पोटी दूध पिया, खाना खाया, पोटी सब। पोटी मोशन था या नॉर्मल था? नॉर्मल काली। हमारी जो नई एनरिचमेंट इंचार्ज है उसके घर में हम इसे फॉस्टर कराएंगे, तो ये क्लिनिक से दूर रहेगा, है ना, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं सर्वाइवल के। ठीक है सर, थैंक यू जी। हम यहाँ से जब ये ठीक हो जाएगा तो इसको अच्छी जगह अडॉप्ट करा देंगे। आपको लग रहा है अटैक करा किसी ने? हाँ, ये तो अटैक ही है डेफिनेटली, ये डॉग बाइट ही है। और इसका एक वैक्सीनेशन उन्होंने कराया है एंटी रेबीज का, जो कि अच्छा डिसीजन था बहुत। और आगे इसको टोटल 5 डोज लगने हैं, जो कि अब हम कंटिन्यू करेंगे। नटंकी है, नटंकी एंटरटेनमेंट। कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े नहीं हुए तो इतना रो रो मत। क्या? अरे अभी तो इधर घूम रही थी। क्या पक्का? नहीं, आराम से आराम से, मेरे को लग रहा है, बोला मैंने, क्योंकि मेरे को आवाज आई थी। हाँ भैया, पूरी जगह ढूंढने में और अभिलाष लिटरली ऐसे आने लग रहा है सब जगह ना। आपको आवाज आई थी? नहीं, मेरे को बहुत बुरी आवाज आई, मेरे को मतलब जैसे ये मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, है ना बच्चा? नहीं जाएगा ना? ओके, बस ठीक है, हो गया। मैं बहुत डर गई थी ना, बस ठीक है, तो इतनी बुरी आवाज आई ना। किसने तंग किया? ये मारा होगा ना दोनों ने मिलकर इसको? हाँ शायद, पता है, क्योंकि एकदम कंटिन्यूसली आवाज आ रही थी, फिर एकदम से मेरे चमका की बिल्ली। अगर बाई चांस बिल्ली आती तो बाकी तो मुर्गे मिलकर इसको बचाएंगे? नहीं नहीं नहीं, घर लगाएंगे ना। नेहा ने इसको सुपर फ्रेंडली कर दिया, इसे सुपर फ्रेंडली, सुपर फ्रेंडली। कहाँ है गीता? वहीं घूम रही है ना, वो छुप जाए, छुप के घूमती है, गेट के पास छुपती है, वो पुरानी आदत है उसकी। नहीं नहीं, टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर तेरा। कान में आई ड्रॉप कैसे डलेगा विक्की? सॉरी, कान में क्या डाल रहे हो? ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप, कॉन्सेंट्रेट विक्की। ये ईयर क्लेंसर है कान साफ करने के लिए। अच्छा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होती ना कुत्तों के कानों में? नहीं, कुत्तों के लिए ही बनाया गया स्पेशली विक्की। प्लीज आस्क सेंसिबल क्वेश्चंस विकी। एप्पल रखते हैं इसका नाम, गोल्डन एप्पल। और वो नहीं डरता इंजेक्शन से, इसको तो जरा भी डर नहीं लगता है, जरा भी नहीं। लगा 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 पता क्यों? ये अपना लात नहीं मारता ना इतना? कभी कभी मतलब कि। और ये रांझा है? नहीं नहीं सर, नया बोल दो। ओ अच्छा, क्या नाम इसका? इसका नाम ये वो है ना, मान्यवर? नहीं, श्रीराम, श्रीमान ना। दर्पण की क्या नया नाम दिया? नहीं यार, नहीं दर्पण, नहीं दर्पण तो डॉग है, दर्पण डॉग है जो हीमाटोमा वाला है, ये तो वो है, श्रीमान है शायद। श्रीमान तो हम रख चुके हैं भाई, ये मान्यवर है। अच्छा, सारी गुड न्यूज है। हाँ, धनिया का अडॉप्शन हो गया पटियाला। हो गया? वो आ रहे हैं लेने इसको? सैटरडे को आएंगे लेने के लिए। नाइस, उनके पास हमारी ऑलरेडी एक है ना? नहीं, उनके पास नहीं है, वो वीडियोस वगैरह देखते हैं हमारे। अच्छा, मैं उससे कंफ्यूज हो रहा था, टिंडा गई भटिंडा। धनिया पटियाला। आप थोड़ा, आपके लिए बड़े कॉमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ, व्हाट्सएप पे तो हो ही नहीं ना, व्हाट्सएप पे हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो आप खुद पढ़े होंगे। फेवरेट होंगे, आपने विक्की की पॉपुलैरिटी को सरपास कर दिया। आपने कांगड़ा फोन किया बेल बॉटम के लिए? हाँ जी, कल कर लिया था, उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक है डॉग, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पेन भी नहीं है, सिम्टम्स भी बिल्कुल नहीं है, कोई जो डिस्टेंपर है ना। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप एक बार पालमपुर विजिट करवा लीजिए, वहाँ से सर्जरी की डेट ले लीजिए। पोस्ट ऑप केयर के लिए तो हमें आगे आना ही पड़ेगा, तो वो, लेकिन वो सर्जरी खुद करवा लें तो बेहतर है, बेस्ट है। हाँ, क्योंकि एक्सरे भी लगेगा और स्टाफ पे। हाँ, स्टाफ का ये होता है ना भाई, हमारा स्टाफ कितने एक्सरे कराए, एक्सरे का आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। ये जो है मान्यवर, धर्मा, धर्मा
धर्म नॉट मानने वाला करे। इसका ये पैर तो आगे वाला ठीक नहीं हो सकता ना। नहीं ये तो हील स्टार्ट कर रहा है। ठीक है तो इसको बस एक इसकी चोट है वो ठीक करके। हाँ वो मैगेट वुंड था है ना, तो दूसरे पैर के पीछे वाले हिस्से में वो ठीक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट कर देंगे। सैंक्चुरी में तो हमें पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिल रही अभी, तो वही है कि हम नाले में पत्थर वत्थर डाल के लॉक डाल के फिर ही चल पाएंगे। इसको तो प्लेन सर्विस में चलने में इतनी तकलीफ होती है। एक बार वहाँ पहुँच गया तो फिर तो ये अपना कर लेगा एडजस्ट। फिर तो होने वाला ही है। मिट्टू ना थोड़ा सा मुझे बीच में लाइन है वो हील होनी है बिल्कुल बीच में लाइन। ये ऐसे जैसे ऐसे एक लाइन बीचों बीच ना वो हील होनी है। अभी तो जिंक ऑक्साइड फर्स्ट ट्रीटमेंट इसी की होती है। रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि स्क्रैच करता है ना। अब ये दोबारा अगर इसको वुंड हुआ तो फिर तो उसके स्वेलिंग कम हुई शंभू की। ये विपिन भी शंभू बाकी जानवर से तो नहीं लड़ता ना? नहीं लड़ता। इसको हम बाकी जानवरों के साथ क्यों नहीं छोड़ते फिर? अभी तक इसका वो सर्जरी की है तब नहीं छोड़ रहे हैं। आंखें दिखा, सबको आंखें दिखा दे। पटा पच्चे कुछ कुछ लात तो नहीं मारता सर? ये ऐसे ही मारता थोड़ा सा सर, कास्ट्रेशन के बाद थोड़ा सा करता है। कास्ट्रेशन के बाद एक टेस्टिकल में स्वेलिंग गई है तो उसके लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर भी एक्सटेंड किया है। अभी स्वेलिंग थोड़ी कम है, पेन अभी है, वैसे बेटर होगा पहले से। और जिसको चोट लगी थी जिसके लिए आया था वो हील हो चुकी है तो फिर तो जल्दी रिलीज होने वाला होगा। जल्दी ऐसे ऐसे खाने में मिला रहे उसको? डायरेक्ट नहीं पिला रहे अंकित भाई? नहीं ऐसा क्यों? आराम से खा लेता मैं क्या। अच्छा बाकी जानवर नहीं खाते फिर? हाँ। तो ये किस लिए पिला रहे हैं डॉक्टर साहब? सप्लीमेंटेशन, प्लेटलेट्स भरते हैं और थोड़ी ताकत मिलती है। आपकी तरह दिमाग मत खाना मेरा ना। अब वो हमारे यहाँ हीलिंग उसकी परफेक्ट हो गई थी पर हमने उसको कास्टेड करके इसलिए छोड़ना था क्योंकि एक जो बाहर प्रोग्राम चला है ना कास्टेशन वाला उसमें अब यही है। मैं समझ सकता हूँ भी गलती इंसान से होती है पर यह है कि जब वो लोग करते हैं कास्टेड अगर कोई गलती हो जाए उनके पास कोई रिकवरी स्पेस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमें संपर्क करें या हो सकता है हमें करें भी तो हम कह रहे हैं हमारे पास जगह नहीं है। तो इस चक्कर में हमें मिट्टू को कास्ट मिट्टू नहीं शंभू को थोड़ा सा और कास्टेड करके इसको तो नहीं कर रहे हम कास्टेड। नहीं नहीं डेफिनेटली नॉट। ये रांझा भैया इनको एज इट इज छोड़ो ऑलरेडी हैं इनको करने में दिक्कत भाई दिक्कत अगर सबसे पहला तो पॉइंट यही है। इतना बड़ा है कोई प्रॉब्लम हुई मतलब मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आ गई इनको फिर रखना बहुत दिक्कत वाला काम है। फिर ये दो दो की जगह रोकते हैं। ये बड़ा वो बैठे हैं देखने कि हमारा प्यार है भी और हम एक दूसरे से नाराज नहीं है। यार इसका एक शॉट इसीलिए ले लो लोग कह रहे थे कि बेटी जी दिखा दो आप बेटी जी देख लो। टोफू के लिए हम तरबूज खिलाने गए थे टोफू ने हरकतें करी ऐसी फिर कि कुणाल ने फुटेज ही यूज़ नहीं करी। हम आपको ब्लूपर दिखा देते हैं। मैं सोच रहा था कि टोफू को यहाँ ले आऊँ टोफू और मैं शेयर कर लेंगे। अच्छा और फिर बाकियों को खिला देंगे। नैनो आ रहा पीछे नैनो नहीं पसंद मुझे बिल्कुल। तो बोले वो तो खाना खाने चली गई ये ले आ जा। फिर ये क्या कर रखा है इसमें बड़े प्यारे सजा रखे हैं सबके लिए ये सब तो खाना खा जाएगी तो सबका खाना खा जाएगी। तो वो जिद्दी मत बन कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा है चुपके चुपके दूंगा इनको ये आए लेते जाएं नहीं तो अब खाना है टोफू तेरे को है सरगम जूसी तरबूज है। हम लोगों के काम में ना सफरिंग से आमना सामना थोड़ा ज़्यादा होता है पर हंसी मजाक मखौल लगा रहे तो चीज़ों को झेलना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यही फिलॉसफी हम अपने वीडियोस में भी ला रहे थे कि सिर्फ गंभीर मुद्दे ना दिखाएं सिर्फ चोट ना दिखाएं हंसी मजाक भी दिखाएं। पर एक कमेंट में था कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और मैं समझता हूँ कई बार खाने में नमक जैसे ज़्यादा डल जाता है तो अगर हमारी मंशा सामने ना आके ऐसा लग रहा है कि भाई हम मुद्दे से भटक रहे हैं तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइएगा। हाँ जोगी तो वो था ना बहुत ज़्यादा एनीमिया बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसी दोनों का काफ़ी डाउन था है ना। तो इसको तो हम शुरू से ही फेरिकाइन फिर फेरिटास इंजेक्शंस ट्राइबीवेट चल रहा था बहुत सारी चीज़ें इसकी चल रही थी लेकिन ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी इसमें।
और ये बछड़ों को तो बचपन में अलग कर देते हैं, जोगी का तो मुश्किल ही था, टाइनी का भी था तो मुश्किल, पर एक होप हो गई थी, वो खड़ी हो गई थी पहले दिन, खड़ी हो गई ना बस, दैट वाज थोड़ा, लेकिन उसके बाद से दो तीन दिन वो हाँ मसाज हुई है इसकी लगातार, तब ये थोड़ी सी खड़ी होती थी लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें ताकत थी नहीं, है ना। और यहाँ पे जब वो फिसलने लगी ना, क्योंकि वो ज़िद्दी भी बहुत थी ना, जितना वो बार बार उठती थी, जब उसमें ताकत ही नहीं है, पैर ऑलरेडी नर्व डैमेज है, लेकिन उठती थी, फिर वो दो तीन बार ना गिरी और हमने बहुत उस टाइम पे रोकने की कोशिश की कि मत उठिया मत, लेकिन वो बार बार उठती थी और उसमें उसका पैर ज़्यादा डैमेज हुआ सर, एब्डोमिन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था ना, इंटरनल इंजरीज थी तो हम हॉइस्ट भी नहीं कर सकते थे। अंकित भाई हैंग रही है ट्रीटमेंट? हाँ जी भाई। अंकित भाई पिछली बार भी इसके इतना ही था बूंद? नहीं नहीं अभी तो कम हो रहा है। स्किन कब तक आएगी इसके बूंद पे? जब तक ये पूरा कम नहीं हो जाता, स्वेलिंग भी कम हो रही है, काफ़ी बड़ा था पहले। ये ऐसे ही करवाता है प्यार से, कोई लात नहीं चलानी, कोई सरगत नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं। बस बस बब्बू बस, इतनी देर से करवा ही रहा था तो पट्टी बनवा ही लेना। मंदिर घाट में रहते हैं ना, अच्छा। हम भोजन डालते रहते हैं, सभी गांव वालों ने इसका नाम पता क्या रखा, डब्बा डब्बा डब्बू। ये चोट कब से है? ये 4-5 दिन हो गए। स्किन डिजीज है? एक्जिमा टाइप ऑफ स्किन कंडीशन है, वेट और ड्राई दोनों टाइप का होता है, कंटेजियस नहीं होता है। आप इम्यून को इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है। आएंगे रोज ना देखने इसको मंदिर में? आप नीचे आते तो है, बाहर पे रखना इसको, ठीक है। अभी देख आराम मिलेगा तेरे को ना, इतना जल्दी जल्दी आराम मिलेगा, ठीक है डब्बू। क्या हो गया थी? चिचकिस फ्रेंडली, उनको पता है ना ये कैसे चिल्लाता है, चीखता है, काटता है। नया जादू कैसे करा तुमने? पहले जब मैं इसका एनरिचमेंट चालू करने लगी तो मैं क्या करती थी कि ये ट्रस्ट नहीं करता ना, मैं साइड में बैठ जाती थी, उसमें भी ये गुर्राता था तो मैं फ़ोन में म्यूजिक या कार्टून लगा के ऐसे फ़ोन उसके सामने रख देती थी, ये भी देखता था मैं भी देखती थी। उसके बाद ये धीरे धीरे खुद ही मेरे पास आने लगा और अब गोद में आके बैठता है, इसको अब पता है कि ये मेरे को कुछ नहीं करेगी, तो इस वजह से ये आता है मेरे पास ना। सहेले डॉग आपने रेस्क्यू किया क्या? हाँ एक्चुअली इसके लिए कॉल आ ही रहा था 2-3 दिन से, तो आज भी आया था, लेकिन वहाँ पे कोई 2-4 लोग थे, उन्होंने इसको लीश डाल दी थी गले में, तो उन्होंने पकड़ लिया था, तो मेरे को कॉल किया, तो मैं जा ही रहा था, देखा तो बहुत बुरा हाल है इसका। मैगेट वुंड है बहुत ज़्यादा डीप सर में, कोई डॉग बाइट हो सकता है इनिशियली, है ना, और फिर मैगेट्स लगे होंगे और वो बढ़ के इतना ज़्यादा डीप। हम क्लीनिंग करेंगे एनएस से, उसके बाद हम मैगेट्स को मारने के लिए एवमेक्टिन डालेंगे, प्लस हम इसमें फिर हाइपोटोरिक गॉज से इसकी पैकिंग कर देंगे। जितने मैगेट्स हम निकाल सकते थे सामने थे वो हमने निकाल दिए, बाकी हम कल निकालेंगे ताकि इसको थोड़ा पेन ना हो जब हम निकालें। हाइपोटोरिक मैगेट होगा थोड़ा सा पस या जो डिस्चार्ज है जो डेब्रिस है उसको सोख लेगा, ठीक है। ये आप वापस लेके जा रहे हो बस ट्रीटमेंट के लिए लाए हो? हाँ जी। क्या हुआ? थोड़ा सर, सर पहले फोन ही करो। अच्छा मैं करूँ? अंकित भाई किसका कर रहे हो? दबंग ब्रो, दबंग फोड़ फोड़ दबंग। इसकी स्वेलिंग तो काफी कम हो गई है अंकित भाई? हाँ काफी कम है, पहले से मतलब 5-7 दिन पहले देखी थी मैंने, ठीक ठाक स्वेलिंग थी इसकी। हाँ एंटीबायोटिक चेंज हुआ ना इसका। अच्छा उससे फर्क पड़ा है जल्दी है? कौन सी वाली पट्टी कर रहे हैं? वही हाइपोटो क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। क्या कर रहे हो चाचा यहाँ पे? एकांत को लेके जा रहे हो शाहपुर? क्यों क्या हुआ? क्योंकि एकांत का जो आई से फर्स्ट डिस्चार्ज था वो इस बार सेकंड टाइम रिलैप्स हुआ है ना। अच्छा। हम काफ़ी टाइम से एंटीबायोटिक चला रहे हैं, अभी कम हुआ है लेकिन फिर भी हम एक बार सेफ्टी के लिए उसको भेज रहे हैं कि एक बार प्रॉपरली चेक हो जाए सीनियर डॉक्टर से, और उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमें उसे सर्जरी फिर से करके जो रिमेनिंग टिश्यू है उसको भी बाहर निकाल देना चाहिए, जैसा भी डॉक्टर सजेस्ट करें। गाड़ियों का बहुत सुकून है एकांत, मतलब गाड़ियों का शौकीन, मतलब गाड़ियों को थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। चार्ली
चार्ली चला जी घूमने शास्त्र बाजार मेले लगे है ना। अच्छा घूमने जा रहा है। तो सेम डे वापस आ जाओगे ना चाचा? बस अभी जस्ट आधे घंटे के अंदर। हमने चार्ली को शाहपुर क्यों भेजा है? चार्ली को इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि बहुत उसका टेम्परेचर डाउन रह रहा है बहुत टाइम से। इतने ब्लड सपोर्टिव दिए जा रहे हैं लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है ब्लड रिपोर्ट्स में। तो हमें डर है कि कहीं इंटरनली कोई ट्यूमर तो नहीं है जो ब्लड अंदर से मतलब वो तो ना अंदर से शरीर खाता है ना ट्यूमर। पहले तो डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं। अगर सब कुछ ठीक जाता है तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा के फिर हम रिपोर्ट निकलवा लेंगे कि ट्यूमर तो नहीं है कोई। जो पशु वाली टीम थी ना उन्होंने हमको हेल्प के लिए बुलाया था साई भाई वगैरह को। अच्छा बोलता तो उसके हॉर्न टूटा हुआ था तो हमारी टीम ने तो उसकी मदद कर दी। लेकिन रिटर्न आते आते एक डॉक्टर जिसको वाइड रैप लगा था वो साई भाई लेके आए थे फार्म में तो वो मैं डालना भूल गया सॉरी। इतना पुराना है कि खुद ही पैर ऐसे धीरे 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 करके कर गया। तो हम लोग इसको ओपन वुंड की तरह ही ट्रीट करेंगे अभी फॉर नाउ। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएगी उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। बस हो गया बच्चे बस हो गया। पेन बहुत है इसका। प्रोसेस बढ़िया है मेडिसिन पड़े हैं बस जरा अभी पट्टी बांध के छोड़ देंगे इसको। आज के तो पैक कर रहे हैं क्योंकि फिर मैगट्स मरेंगे। मैगट्स मर जाना एक बार तो दो चार दिन बाद जैसे जैसे सूजन कम होगी एंटीबायोटिक असर करेगी उसके बाद हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है। और एनिमल हम देखेंगे कि भाई ब्लड प्रोफाइल देखेंगे पहले इसकी ब्लड प्रोफाइल से ही ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती है बेसिकली। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्यूट से भाई साहब कौन है यहाँ क्या कर रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो खच्चर है इस खराब हालत में सड़क पे थी इसको हम लेके आए हैं और ये भाई साहब इसके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो इनका नाम सजेशन अभी तो एक आया है ढोलू पर और सजेशन आप दीजिएगा। इनकी पूरी कहानी हम अपने अगले व्लॉग में बताएंगे पर इस व्लॉग को आप लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।